और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब मंगलवार को होगी, इस बात की पुष्टि हो गई है। बीजेपी पार्टी सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह सोमवार देर रात या फिर मंगलवार को आ सकते हैं जयपुर। राजनाथ सिंह का कल भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इधर पूर्व सांसद ओमकार लखावत ने कहा है कि सोमवार को बैठक होगी। अब बैठक सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है। सीधा रुख कर लेते मेरे सहयोगी विष्णु का। विष्णु, सूत्र कह रहे हैं कि मंगलवार को बैठक हो सकती है क्योंकि राजनाथ सिंह बिजी हैं, लेकिन इसी बीच सोमवार को बैठक होगी, ये बात ओंकार लखावत की ओर से सामने आई। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है लगातार बीजेपी के हर व्यक्ति के मन में, और न केवल बीजेपी बल्कि राजस्थान की पूरी जनता के मन में यही है कि आखिर विधायक दल की बैठक कब होगी, कौन होगा सीएम का चेहरा, और इसको लेकर लगातार मशक्कत जारी है। हालांकि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी की जो पार्टी सूत्र है वो कह रहे हैं कि मंगलवार को बैठक होगी और कल शाम को राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच सकते हैं या परसों सुबह उनकी जो टीम है, जो तीनों प्रवेशक है, वो पहुंच सकते हैं और उसके बाद बैठक होगी और उसमें नए चेहरा है जो सामने आएगा उसमें से सहमति ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व सांसद है और साथ में यहाँ जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है उसके सह संयोजक अवकाश सिंह लखावत, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत में अभी कुछ देर पहले ही कहा कि जो विधायक दल की बैठक है वो कल होगी और पूरी प्रक्रिया होगी। हालांकि उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो एक चुनाव होगा चेहरा सामने कल भी नहीं आएगा, वो विधायक जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। यहाँ से प्रवेशक आएंगे, सबकी राय पूछेंगे, राय पूछने के बाद ये ले जाकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे और आलाकमान चेहरा घोषित करेगा। तो उनका ये कहना था और आज देर रात वो बता रहे हैं कि आज देर रात जो राजनाथ सिंह और दोनों प्रवेशक आ जाएंगे, ये ओंकार सिंह लखावत का कहना था। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि आज दिल्ली में औकात जो राजनाथ सिंह उनका कार्यक्रम है एक बड़ा चल रहा है, कल भी कार्यक्रम है, तो ऐसे में आज कार्यक्रम होगा, कल कार्यक्रम करके और शाम तक वो यहाँ पहुंचेंगे और मंगलवार को बैठक हो सकती है। विष्णु, 2003 में वसुंधरा राजे ने 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। 2013 में 13 दिसंबर की तारीख को ही वसुंधरा राजे ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली थी। 13 दिसंबर की तारीख इस बार बुधवार को आ रही है। मंगलवार को अगर विधायक दल की बैठक होती है तो आपको क्या लगता है, जो बीजेपी का रिवाज चलता आया है 13 दिसंबर की तारीख को सीएम पद की शपथ का, वो रिवाज कायम रह पाएगा क्या अगर बैठक मंगलवार को होती है तो? बिल्कुल हार्दिक, एक बार नेता का नाम अगर घोषणा हो जाती है तो जो शपथ में है वो ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि कुछ ही घंटों की तैयारी होती है, राज्यपाल को कहा जाएगा और उसके बाद तमाम तैयारियां रात भर में तैयारियां हो जाती है और दूसरे दिन फंक्शन हो जाता, तैयार हो जाता है जहां मैदान है, जहां क्योंकि लगातार यहां कोई ज्यादा बड़ा लंबा थोड़ा काम ही होता है। अमूमन पहले भी इस तरह का देखा गया है कि जो ही नेता का नाम अनाउंस हो और दूसरे दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है, तो ऐसे में लंबी चौड़ी तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है नेता का नाम कब होता है, क्योंकि अगर मंगलवार को होती है 12 तारीख को, तो 13 तारीख को होती है, तो 13 तारीख के लिए, क्योंकि अगर सभा यहाँ होता है बड़ा, क्योंकि जब शपथ ग्रहण में बड़ा कार्यक्रम होता है, इस तरह से राजस्थान में ये रिवाज है कि परिपाटी है कि बड़ा कार्यक्रम होता है, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री लो या बीजेपी के मुख्यमंत्री लो, तो पूरे राजस्थान की जनता यहाँ आती है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है कि सत्ता का स्थानांतरण होता है, तो पूरे प्रदेश की जनता उसकी साक्षी बनती है, गवाह बनती है यहाँ पर। तो ऐसे में इतने कम वक्त में संभावना कम है, हालांकि तैयारियां हो सकती है लेकिन पूरी जनता नहीं आ पाएगी, क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता को इकट्ठा होने के लिए व्यवस्थाएं करनी होती है, वाहन है, सब कुछ है। अभी विधायकों को भी सूचना विधायक दल की नहीं गई है, तो ऐसे में विधायक ही है जो अपने अपने क्षेत्रों में जो जनप्रतिनिधि है वो तैयारियां करते हैं, तो ऐसे में बड़ा फंक्शन होने की संभावना कम है। केवल जहां तक बात शपथ की है तो शपथ राजभवन में भी दिलाई जा सकती है, मुख्यमंत्री और कुछ लोग शपथ ले सकते हैं, तो ऐसे में 13 तारीख संभवतया नहीं हो पाएगी। हालांकि 13 के बाद 14 और 15 और 16 का सुबह 3 दिन है, तो ऐसे में मलमास लगने में 3 दिन है, तो अब देखना होगा कि कब लेंगे। और 16 तारीख बाद तमाम विधायकों को फील्ड में निकलने के निर्देश दिए गए कि भारत विकसित जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, उनको उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें सारे विधायक, तमाम विधायकों को
कल रात जो बैठक हुई थी जेपी नड्डा की, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सब विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। 16 दिसंबर विष्णु 13 सिविल लाइन्स पर अलग अलग विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, वहां पर भी एक मीटिंग एक बैठक की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या अब तक? हार्दिक, लगातार चूंकि यहाँ 13 सिविल लाइन्स पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आवास है, सरकारी आवास है, और वहां पर लगातार सुबह से ही विधायक पहुंच रहे हैं। जैसा तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि जो विधायक है, पूर्व विधायक है, कई नेता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर दिन भर पहुंच रहे हैं। बात अगर की जाए विधायकों की, तो करीब 1 दर्जन के आसपास विधायक वहाँ अभी सुबह से लेकर अब तक पहुंच चुके हैं, सब मिलकर आए, और ये कटसी कॉल माना जा रहा है। हालांकि किसी विधायक ने बात नहीं की, लेकिन पूर्व जो विधायक है और जो कोटा उत्तर के शांति धारीवाल के सामने चुनाव लड़ चुके हैं प्रहलाद गुंजन, उन्होंने मिलकर बाहर कहा कि यहाँ का राजस्थान का अनुभवी मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसको पूरा सिनेरियो पता हो, क्राइम कंट्रोल कर सके, तमाम तरह के आर्थिक हालात आने वाले हैं क्योंकि सरकार कई आर्थिक कर्जा तरह छोड़ ली गई है, तो ऐसे में अनुभवी होना चाहिए। हालांकि उनसे पूछा कि अनुभवी कौन, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे से अनुभवी ज्यादा कोई नहीं है, तो वो उन्होंने विष्णु जयपुर जयपुर आई वसुंधरा राजे, इससे पहले वो दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले जब वो जयपुर में थी तब अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे थे कि 30, 35, 40, कोई कह रहा था कि 70 विधायक उनके घर पहुंचे, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आज जो 11-12 विधायक पहुंचे, अगर मैं बात करूं अजय सिंह कीलक की, बाबू सिंह राठौड़, अर्जुन लाल गर्ग, अंशुमन सिंह भाटी, पुष्पेंद्र राणावत, श्रीचंद कृपलानी, कैलाश वर्मा, के बिश्नोई, इनमें से संजीव बेनीवाल, क्या इनमें से कोई इससे पहले भी वसुंधरा राजे से मिल चुका है? क्योंकि पहले तो ये कह दिया था कि ये तो शिष्टाचार भेंट है, लेकिन शिष्टाचार भेंट बार बार थोड़ी होती है। बिल्कुल, ये शिष्टाचार भेंट बार बार नहीं होती, लेकिन लगातार जो वसुंधरा समर्थक विधायक ये माने जाते हैं कि ऐसे में बार बार जा रहे हैं। हालांकि जब पार्टी नेतृत्व की ओर से उनसे बात की जाती है तो वो केवल शिष्टाचार भेंट बताते हैं। लगातार ये विधायक आ रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये उनका जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके प्रति जो लगाव है वो साफ दिखाई देता है, वो उनके समर्थक माने भी जाते हैं राजनीतिक हलकों में। ऐसे में अब जो ये पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं सामने दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पार्टी बीजेपी में वहां भी लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। अभी जो ओकार सिंह, ये जवाहर सिंह मैडम है, वो पहुंचे थे कुछ देर पहले। इसके अलावा अमीर सिंह भायल है, शिवाना से विधायक वो थे। ललित मीणा, जिनके बारे में कहा गया था कि वहां अलग से बाराबंदी में उनको शामिल किया गया और वो हंगामा हुआ, ललित मीणा भी फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। तमाम जो विधायक वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। जी बिल्कुल विष्णु, और इसके अलावा अब ये भी है कि जितने विधायक बार बार पहुंच रहे हैं तो वो एक सांकेतिक राजनीति का भी परिचय देते हैं, क्योंकि राजनीति जब संकेतों से होती है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनाने का, एक शक्ति प्रदर्शन का भी माध्यम बन जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला, तीनों पर्यवेक्षकों का फैसला, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, क्या इस पर निर्भर करेगा कि 13 सिविल लाइन में कितने विधायक पहुंच रहे हैं कितने नहीं? आपको लगता है कि क्या ये प्रभावशाली तरीका हो सकता है अगर उस लिहाज से देखें तो? हार्दिक, ये प्रभावशाली तरीका नहीं, बल्कि ये एक तरह से आत्मघाती कदम होता है, क्योंकि पार्टी में कभी भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, व्यक्तिवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है ना, तो उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि लगातार जो गतिविधियां आ रही है वो कहीं ना कहीं पार्टी जो रूट कौन से होती है, क्योंकि पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वभाव रहा है, कई बार इस तरह की गतिविधियां सामने देखने को आ चुकी है पिछले समय, कुछ समय में भी देखी जा चुकी है पिछले जो शासन आए, तो ऐसे में ये उनका, दूसरी तरफ विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं वो अलग है, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं इस पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। यही कारण है कि जब जो विधायक वहां मिल के आते हैं वो विधायक कह रहे हैं कि विधायक लगातार कह रहे हैं कि हम केवल कटसी कॉल के लिए आए हैं, लेकिन कुछ विधायक कह रहे थे कि हमने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, हालांकि दूसरे दिन उनके प्रकटते हुए हमने देखे हैं लगातार, तो ये कहीं ना कहीं गतिविधियां अच्छी मानी जा रही है। तो ये भी एकदम सही बात है कि ये आत्मघाती कदम भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस जानकारी के लिए, शुक्रिया आपका।